नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो फिजिकल टिप्स में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आंखों में ज़्यादातर जो मेडिकल में प्रॉब्लम होती है, चाहे SSC GD हो चाहे आर्मी हो, इनके जो मेडिकल में आंखों में जो प्रॉब्लम होती है तो कौन कौन से पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि उनके मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है आइज में, ठीक है, कुछ इस प्रकार की आइज की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको मेडिकल पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो घबराते रहते हैं और उनको ये नहीं पता रहता कि उनकी आइज 6x6 है या 6x9 है। आप सभी को बता दूं, SSC GD हो चाहे आर्मी हो, इन दोनों ही जो एग्जाम है या जो लेवल है जिसमें से आप फौजी बनने का जिनका बच्चों का सपना होता है, तो इनमें जो एक्सेप्टेबल जो आइज होता है वो होता है 6x6। जिन बच्चों का 6x9 है उनको बाहर कर दिया जाता है। तो आंख में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, आंख के कौन कौन से मेडिकल पॉइंट होते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आंख के कौन कौन से अगर पॉइंट आपके हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो आप बच सकते हो, आपको मेडिकल में कोई बाहर नहीं निकालेगा। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जो SSC GD, सबसे पहले आप देख लीजिए, चाहे SSC GD हो SSC GD आर्मी और RPF कॉन्स्टेबल, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आंखों का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आईज में पॉइंट है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आंख में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो मुख्य जो प्रॉब्लम होती है आपके जो आंख आईज का जो रेटिना होता है उसमें। बहुत सारे बच्चों के कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, या 6x6 है या नहीं है उसको कैसे जांचें, उसके बारे में कैसा पता करें। दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों के जैसे वो आंख में से पानी, इस पर पानी आता रहता है साइड में, या कुछ वो कचरे टाइप का आता रहता है साइड में सुबह सुबह, जो बच्चे कईयों के सुबह बहुत ज़्यादा आता है, कईयों की जो आईज है ये बहुत रेड रेड सी रहती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आईज यहाँ से ना बहुत ज़्यादा रेड रहती है, ठीक है, कईयों का ये बहुत रेटिना है आंख का, वो बहुत रेड रहता है। तो वो बच्चों के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमारी आईज रेड रहती है या ये जो रेटिना है ये रेड रहता है। दोस्तों, इसकी वजह से कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है, मुख्य बात ये है कि आपकी जो आईज है वो 6x6 होनी चाहिए। अगर आपकी आईज 6x9 है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ है। अब आप बोलोगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि सर हमारी आईज 6x6 है या 6x9 है, तो इसका भी एक समाधान है। देखो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब भी जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को बोल दीजिए कि सर मुझे अपनी आई साइड चेक करानी है कि कितनी है, तो डॉक्टर आपको इस प्रकार से चेक करेगा। किस प्रकार से डॉक्टर आपको चेक करेगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार के अल्फाबेट आपने देखे ही होंगे। तो दोस्तों, इसमें ये अलग अलग जैसे लेवल है, 6, 36, 24, 18, 12 and 9, 6x6। तो यहाँ पर जिसको ये तक 6 लाइन तक दिख जाती है उसकी आई 6x6 हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक। कैसे, जब आपके चेक करते हैं, देखो अलग अलग टाइप से दिया हुआ है ये इधर भी, ठीक है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में आपको इस प्रकार से चेक करते हैं, और जो मेडिकल होता है आर्मी का SSGD में उसमें भी इस प्रकार से चेक करते हैं। एक एक आई से आपको देखना होता है, एक आई इस प्रकार से, आप चाहो तो आँख बंद कर सकते हो, चाहो तो बंद। कई बच्चे होते हैं जिनकी आँख ऐसे बंद नहीं होती है, ठीक है, कुछ शैतान होते हैं जिनकी कॉलेज में ऐसे बंद होने लग जाती है, वो बात अलग है, ठीक है। तो जिनकी आईज बंद नहीं होती वो इस प्रकार से एक आईज से ही देख के बता दिए, फिर दूसरी तरफ से, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से चेक किया जाता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, ये जो वर्ड है आपको स्पष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। अब देखो, जो आर्मी के मेडिकल में जो चेक करते हैं वो इस प्रकार से चेक करते हैं, ठीक है, आर्मी के जो मेडिकल में चेक करते हैं वो इस प्रकार से चेक करते हैं आईज को, ठीक है। आपको 6 लाइन पे देखो, यहाँ पर पेन रखा हुआ है, 6 लाइन है जो उस पर पेन रखा हुआ है उसको देख सकते हो, तो 6 लाइन तक आपको दिखना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से भी आपका मेडिकल होता है। अब बहुत सारे बच्चों की जो आईज में और इसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है, आपको पता है आईज को इस प्रकार से देखा जाता है, ठीक है, लाइट करके क्या देखा जाता है कि इसकी आईज में कहीं चोट का निशान तो नहीं है। कई बच्चों के जो मोतियाबिंद होता है या अंदर तिल होता है आँख के अंदर, ठीक है, आंख के अंदर कई बार तिल होता है कई बच्चों के, तो उसकी वजह से भी उनको मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है। लेकिन SSC GD में अगर आपके आंख में तिल है तो आपको मेडिकल अनफिट नहीं किया जाएगा, बस शर्त यह है कि आपकी जो आई साइड है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 6x6। ये है मेन जो मुख्य रूप से होता है ना, वो मुख्य रूप से वो है ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अगर ये किसी बच्चे को है, अगर ये किसी बच्चे को है जिसको कलर विजन बोलते हैं,
अगर ये है तो वो मेडिकल में अनफिट हो जाएगा, वो बच्चा आर्मी या एसएससी जीडी की तैयारी नहीं करे, ठीक है, क्योंकि ये जन्मजात होता है, इसका कोई विशेष इलाज भी नहीं है, ठीक है, ये जन्मजात होता है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, यानी इसमें कितना नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है, ये नहीं जांच पा रहा है, ठीक है, वहां पर जब मेडिकल होता है तो ये दिखाया जाता है आपको दूर से, दो कलर है इसमें, देखो एक ये एक ये, तो कई बार बच्चे इन कलर में, जिनके कलर विजन होता है, वो इनमें फर्क नहीं कर पाता है, तो वो मेडिकल में अनफिट हो जाता है। जिन बच्चों के मेडिक कलर विजन है, वो एसएससी जीडी आर्मी की तैयारी नहीं करे, फिर भी अगर उनका दिल करता है करना चाहे, ठीक है, अगर वो उनका दिल करता है करना चाहे, तो उनको क्या करना है, कलर विजन की जो बुक आती है उससे ट्राई करके देखना है कि वो कितना पकड़ पाते हैं। अगर आपका मान लो लक सही हो सकता है कि आप कर पाओ, ठीक है। तो इसके अलावा कलर विजन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईज की, आईज के मेडिकल बता रहा हूँ, केवल ये, केवल आईज आईज के मेडिकल बता रहा हूँ मैं। देखो अब ये यहाँ से आंख पूरी की पूरी जो रेड है, दिख रही है, ये पूरी की पूरी जो आईज रेड है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इस आंख में देखो, ये आंख और इस आंख में फर्क देखो, ये दूसरी वाली जो आंख है ये काफी साइड में, इसको देख रहे हो, ये साइड में, और इसका जो रेटिना वो बिल्कुल सही है, यानी एक आंख टेढ़ी मेढ़ी होती है कई लोगों की, तो उसकी वजह से क्या पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता, बिल्कुल इसकी वजह से भी आपको पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको करनी चाहिए तैयारी एसएससी जीडी आरपीएफ कॉन्स्टेबल, और अगर आप रेलवे जैसे कर रहे हो या और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको उसमें इस प्रकार का मेडिकल पॉइंट नहीं दिया जाएगा, तो इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए 100%, कोई संदेह नहीं है, ठीक है, 101% आपको तैयारी करनी चाहिए एस एस जी डी में। अगर आपकी आई थोड़ी सी इधर उधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मुख्य रूप से बात वही है, आपकी आई साइड 6x6 होनी चाहिए। ये देखिए, ये आईज अगर रेड है पूरी की पूरी, देखो ये रेड है, तो भी इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, इस बार ऐसे चेक करते हैं आँख का जो फोकस है, ऐसे पेन से, जब आर्मी का मेडिकल होता है, उस पेन को यहाँ से लाया जाता है, फिर इस प्रकार से इसे घुमाया जाता है, ठीक है, तो घुमा के चेक करते हैं कि आपकी आई का जो फोकस है वो सही है या नहीं है। तो ये देखिए, आंख पे पूरा पूरा फोकस है या नहीं है, ठीक है, तो यानी आई पे आपका पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। इसका भी अगर है, ये तो आप घर पे भी चेक कर सकते हो, इसे पेन के साथ आपकी नजर घूम रही है या नहीं, अगर ये भी है तो आपको मेडिकल की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो इस प्रकार से पेन से चेक कर सकते हो कि पेन पे आपका फोकस है या नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा ये दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, कई बच्चों के होता है दूरदृष्टि दोष निकट, यानी कईयों को दूर की चीजें नहीं दिखती, पास की नहीं दिखती, तो वो सारा का सारा मैटर 6x6 अगर आया आपकी आई है, तो ये सभी के सभी जो पॉइंट है ये यहीं पे खत्म हो जाते हैं, इनकी कहानी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जिनकी आके 6x6 नहीं है, वो डॉक्टर से चेक करा ले, फिर इनका कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक है। तो अगर आपकी आई 6x6 है, तो आप एस एस सी जी डी आर्मी की तैयारी कर सकते हो। जो जो मैंने मेडिकल बताए जिनमें आर्मी में फेल कर देते हैं, लेकिन एस एस सी जी डी में आपको उन मेडिकल पॉइंट्स में पास हो जाओगे 101% आरपीएफ कॉन्स्टेबल और एसएससी जीडी में। तो आप तैयारी कर कर रहे हो तो बिल्कुल करते रहिए निरंतर, और सीपीओ एसआई भी, ठीक है, सीपीओ एसआई भी। तो दोस्तों आज में अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है, तो आज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ताकि अगला वीडियो में उन प्रॉब्लम पे बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।